आज हम आपको बताएंगे कि कोरल ड्रॉ में पेज का सेटअप कैसे किया जाता है। जैसे कि हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे लिए पेज सेटअप सबसे ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे गए अपना स्टार्ट मेनू में, कोरल ड्रॉ में हम यहाँ गए, कोरल ड्रॉ ओपन किया। दोस्तों पेज सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी डिज़ाइन हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रिंट लेना रहेगा या फिर कहीं ना कहीं अपलोड करना रहेगा, तो साइज सबसे ज़रूरी होता है। किस साइज में हमको ज़रूरत है हमारे डिज़ाइन की, तो इसके लिए पेज सेटअप सबसे अहम चीज़ होता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेज सेटअप कैसे किया जाता है। ये हमारा ओपन हो गया कोरल ड्रॉ का विंडो। फाइल में गए, न्यू, और यहाँ से एक नया पेज क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट आया। हमने इसको नाम दे दिया योर कोरल पेज सेटअप। ये हमारी फाइल का नाम हो गया। और ये कस्टम, दोस्तों ये देखिए ये कस्टम है। कस्टम मतलब हम अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हैं जो हमें साइज की ज़रूरत है। और कुछ साइज होते हैं जैसे ये देखिए डिफॉल्ट CMYK के, तो ये लेटर साइज होता है। लेटर साइज का यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है जो कोरल ड्रॉ ने ऑटोमेटिक लगा रखा है अपना। और ये देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे साइजेस हैं, जैसे हमको अभी ये देखिए लीगल A4 A3 एनवलप साइज, हमको इनवलप बनाना है, हाफ लेटर बनाना है, गवर्नमेंट का लीगल साइज क्या होता है पेपर का, वो सब ये सब ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ताकि यहाँ से हम अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए वेब पेज, हम इसमें से वेब पेज भी बनाएंगे तो उनको साइजों के हिसाब से बैनर, जो कभी कभी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो छोटे छोटे बैनर आते हैं उसके लिए है। और ये देखिए A4 A1 A3 ये सारे साइजेस दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, जो हम जैसे A4 ले लिए। और ये देखिए यहाँ पे विड्थ और ये हाइट हो गया, यहाँ पे हम चेंज करेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे 205 किया तो ऑटोमेटिक। और दोस्तों ये होता है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट, ये हमें किस हिसाब से चाहिए, हमको इंचेस में चाहिए, mm में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, यहाँ पिक्सेल है, पॉइंट्स में चाहिए, डेसीमीटर में, यार्ड में, मील्स में, तो ये यूनिट है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा हमको रिक्वायरमेंट है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, हर यूनिट है। फिलहाल हम mm ले लेते हैं। और कितने पेज चाहिए हमको, हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें बहुत सारे पेज होते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट में एक जगह डॉक्यूमेंट बार होता है जहाँ से हम डॉक्यूमेंट जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको बता सकता हूँ, 2 3 भी कर सकते हैं। और ये प्राइमरी कलर मोड, यहाँ पे कौन सा कलर मोड चाहिए, 2 कलर होते हैं कोरल में, CMYK और RGB। CMYK प्रिंटेबल होता है, जिस चीज़ का हम प्रिंट लेते हैं, और RGB कलर होता है जो हम वेब डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट में डालना है वो केवल व्यू के लिए, तो हम RGB कलर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको अच्छी जानकारी दूंगा कि RGB और CMYK होता क्या है। और यह है रेजुलेशन दोस्तों, प्रिंटेबल कोरल ड्रॉ में 300 DPI, DPI का मतलब डॉट पर इंच, 300 DPI होता है। और इसमें 72 से 300 तक का ऑप्शन दिया रहता है। हम इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे दोस्तों अगर हमको कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो किसी को केवल अप्रूवल के लिए भेजना है ताकि वो प्रिंट नहीं ले सके, तो हम उसको कम DPI पे करेंगे, तो केवल डिज़ाइन देख सकता है लेकिन प्रिंट लेगा तो उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, तो यहाँ से हम अपना DPI चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों ये देखो ये 3 4, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी पेज जो नया बनेगा हमारा उसमें बताऊंगा इसका यूज़ क्या होता है। फिलहाल ये इनहेस्ट इनहेस्ट मोड रहता है, तो उसमें हम एकदम क्लियर जो भी डिज़ाइन बनता है एकदम परफेक्ट दिखाई देता है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों ये हो गया नया पेज बनाने का तरीका, कैसे इसमें क्या होता है, और इसको अंदर से भी जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हमने ओके किया, ये ओके हो गया, ये हमारे सामने हमारा पेज हो गया जैसा हमने सेलेक्ट किया था A4। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ से हम पेज अपना सेलेक्ट भी कर सकते हैं, A3 कर सकते हैं, ये देखिए एनवलप साइज कर सकते हैं, और यहाँ से हम चेंज भी ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए हम इंचेज आ रहा है, यहाँ से भी हम यूनिट चेंज कर सकते हैं, ये देखिए सेंटीमीटर, और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर 30 करते हैं, देखिए दोस्तों 30 किया, और यहाँ पर सीधा कस्टम लिख के आ गया क्योंकि हमने उसको कस्टमाइज कर दिया है, अलग साइज दे दिया। यहाँ पे 15 किया तो
यहाँ से भी हम अपने पेज का सेटअप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एरिया 1 2 3 3 पेजेस जोड़े थे हम, यहाँ पे जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे तुरंत नया पेज जुड़ जाएगा और हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। और यहाँ बाहर भी ऐसे अपन क्लिक करेंगे तो अनडू डिलीट, हमने जो डिलीट किया है वो वापस आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों वापस आ गया, वापस डिलीट कर सकते हैं। पिछले पेज बनाते समय मैंने आपको एक बताया था जिसमें जैसे ये हमने कुछ टाइप किया, जैसे अभी शिवा ग्राफिक्स, ये शिवा ग्राफिक्स ये हमने टाइप किया यहाँ पर दोस्तों। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। वो व्यू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिंपल वायर फ्रेम, वायर फ्रेम ड्राफ्ट नॉर्मल इन पिक्सल्स, पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्सल में दिखेगा जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये। और यहीं पे जा करके इनहेस्ट कर देंगे तो वो पिक्सल गायब हो गया। और ये देखिए सैम्पल वायर फ्रेम में केवल आउटलाइन दिखेगी, केवल आउटलाइन दिखेगी। और ये देखिए वायर फ्रेम में, इसमें भी आउटलाइन ही दिख रही है। नॉर्मल में इस तरह से दिखेगा, फिर भी अच्छा नहीं दिख रहा है। इनहेस्ट, इनहेस्ट में एकदम क्लियर दिखेगा आपको, जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो इसके लिए ऑप्शन रहता है। अभी जैसे वायर फ्रेम जो था वो, ये अगर मेरे पास ये डिज़ाइन है, जैसे कोई छोटा डिज़ाइन है जिसको हम देख नहीं सकते, या फिर इसका कलर यहाँ से वाइट कर दिया वो दिख नहीं रहा है, और हमें ऐसा जांचना है भाई कहीं पे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई और चीज़ है क्या, कोई रह गई है क्या, तो हम व्यू में जाएंगे और जैसे वायर फ्रेम करेंगे हमें तुरंत दिख जाएगा यहाँ पे देखिए। तो वायर फ्रेम का भी एक अपना इस्तेमाल है, ये तुरंत दिख जाएगा कि यहाँ कुछ है ना कुछ है हमारे पेज में। तो दोस्तों आज का ये इस पार्ट में हो गया आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप का आपको आपने बता दिया हमने तरीका कैसे पेज सेटअप किया जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल सके।